नमस्कार, आइए बात करते हैं 100 एमएलटी पानी की। पानी पानी पर एक बात याद नहीं आ रही है, किस मंत्री ने कहा था रजनीगंधा खाओ, याद है आपको? मुझे भी भूल रहा है। हाँ, महाडा के गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आह्वाड, उन्होंने कहा था कि मुंह में पान तंबाकू रखो, रजनीगंधा खाओ, और खाने के बाद फिर कुल्ली भी करनी पड़ती है ना, इसलिए 100 एमएलटी पानी भी आ गया। आया नहीं है, आएगा। भारतीय राजनीति में इस तरह के वादे दावे तो किए जाते रहते हैं। असल में ये गुटके वाली बात मुझे आज पता नहीं क्यों याद आ गई। फिर भूल गया, नहीं याद आया। वो हमारे यहाँ 26/11 की जो घटना हुई थी, उन शहीदों को सलाम करते हुए फिर आगे बढ़ता हूँ। इसी दिन ना भिवंडी शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन कर दिया, इसी दिन ना। और इसी के साथ 26/11 की घटना में जो हमारे लोग शहीद हुए थे, उसमें सिविलियन भी थे, जवान भी थे हमारे पुलिस के, उन्हें भूल गए, कार्यालय की खुशी में भूल गए। वो तो पत्रकारों ने याद दिला दिया कि मंत्री बड़ा होता है कि शहीद बड़ा होता है, तो मंत्री ने जल्दी जल्दी माफी मांग लिया, मगर उससे पहले वो तो बहुत कुछ कह गए थे। भिवंडी के मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि गोश्त खाकर दिमाग को गर्म ना करें। अच्छा, गोश्त खाने के बाद पानी भी लगता होगा, अब पानी भी आ गया है। उसके बाद वो कह गए, क्या कह गए वो तो आपको पता ही है, फिर मैं भूल गया। हाँ, याद आया, मंत्री जी ने कहा था कि मुंह में तंबाकू सुपारी रखो, रजनीगंधा खाओ, दिमाग को ठंडा रखो, मतलब बर्फ रखो, आइस। तो इसका मतलब समझ में नहीं आया। महाराष्ट्र में तो शायद वो गुटके पर पाबंदी है ना, मिलता है हर जगह, वो एक अलग बात है। तो अगर यही बात कोई गरीब आदमी कह देता तो उसका तो काम बढ़ जाता है ना। बहरहाल, गोश्त खाने के बाद रजनीगंधा खाने के बाद कुल्ली भी करना पड़ता है, तो मंत्री जी ने ऐलान कर दिया 100 एमएलटी पानी। ये 100 एमएलटी वाली कहानी भिवंडी वालों ने पता नहीं कितनी बार सुनी होगी और बाय बाय हो गया होगा। और उसकी अंदर की बात बताता हूं, खुद इन्हीं की पार्टी का जो महासचिव है, इन्हीं की पार्टी का मतलब राष्ट्रवादी का, उसके घर पे हफ्ते में 2 दिन पानी आता है। अब वो खुद परेशान है कि यार ये 100 एमएलटी पानी जो आ रहा है, मेरे घर में भी उसका कोई हिस्सा लगेगा या नहीं पानी का। बहरहाल, इलेक्शन है, भिवंडी शहर है या पूरा महाराष्ट्र है, कोई भी आ सकता है। और अभी आ सकते की गाइडलाइन भी है, 9:00 से 6:00 तक सरकार का हथौड़ा भी है लॉकडाउन के नाम का। और वैसे भी हम लोग ठहरे भिवंडी वाले, हम तो अपने मां बाप की नहीं मानते, अपने आलिमों की नहीं मानते, अपने नेताओं की नहीं मानते, मगर इतने बेशरम भी थोड़ी है, पुलिस वालों की बात को मान जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में ना डंडा रहता है, डंडा। बराबर, फिर कभी ऐसी किसी वीडियो पर मुलाकात होगी, बात होगी। आपको कैसा लगा, ये मेरा एक प्रयोग था, एक प्रयास था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।